देखो सरकार प्रयासरत है और जितनी अपनी सरकार के अफेयर्स है वो पूरी लगाएगी, कोशिश करेगी कि ये सही समय पर पास हो जाए। तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति भी आने वाली नहीं है, सभी की सहमति के साथ इस चीज़ को पास करके लेके आएंगे। अपने जो प्रधानमंत्री जी की जो पहल है स्किल डेवलपमेंट, उसको आगे बढ़ाया है और उसे वो नीचे तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव हो, देहात हो, छोटा कस्बा हो, तो उनकी कोशिश ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं कि नीचे के तबके में उस चीज़ का लाभ पहुंचे। जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है उस सोच को हरियाणा के अंदर मोहन मनोहर लाल खट्टर नीचे तक लेकर जा रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री हैं वो भी इसी दिशा में लगे हुए हैं, कृषि मंत्री हैं वो भी इसी दिशा में लगे हुए, क्योंकि जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा जब तक देश का विकास नहीं होता। इस देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। जब तक कृषि के लोग प्रशिक्षित नहीं होंगे, जब तक कृषि के लोग ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक हम इन सब चीज़ों के साथ बातें करना बेईमानी है। इसलिए पहला प्रयास हमारा ये है कि गांव शिक्षित हो, गांव के लोग प्रशिक्षित हों, उस दिशा में काम करना चाहिए। जो एक भारत सरकार की एक योजना है उसमें स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने कई शहरों को चुना है। जैसे उन्होंने, मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अजमेर को लिया, उत्तर प्रदेश में कई शहरों को लिया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पहल है, एक योजना है जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया है। उस शहर के अंदर आधुनिक सभी सुविधाएँ परिपूर्ण हों, ऐसा प्रयास सरकार का है। तो उसे शहरी विकास मंत्रालय के अधीन करके और वहाँ वो जो विकास है, जो उन कम से कम उन शहरों को हमने टारगेट किया है जहाँ से अभी शुभारंभ करना है। और मोदी जी की योजना ये है कि इसी तरह से देश के सभी शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हों। देखो मानव की तीन अवस्था है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान के तहत जो उसे आप आज विकसित रूप में रियल एस्टेट कह लीजिए, और ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करते हैं, शहर में आते हैं, शहर में आने के बाद उन्हें आसे आना चाहिए। अब जमीन कम होती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ लोगों ने आकर के, जैसे अब नया कॉन्सेप्ट आया मल्टी स्टोरीज बनाना चालू की, तो उस कॉन्सेप्ट वही है। पहले एक सिंगल मकान में लोग रहते थे, अब 10 मंजिल के मकान में रह रहे हैं। कोई बड़ा उसमें चेंज नहीं है, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा है कि सभी चीज़ें 100% सही हों ये कोई आवश्यक नहीं है। रियल इस्टेट में भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं रहा, इनका जो योजना है सही है नहीं सही है, इसके लिए जो सरकार ने मापदंड तैयार किए हैं उन मापदंडों पर ये कंपनी काम करती है नहीं करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है।